नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंहलग्न के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंहलग्न, और सिंहलग्न में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि व्यय भाव का स्वामी, एक तृत भाव का स्वामी, हमने बताया था द्वादश भाव, अष्टम भाव और षष्ठम भाव, 6, 8 और 12 तीनों ही भाव तृक भाव होते हैं। एक और हमने चर्चा करी थी आपसे, 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। तो एक तृक भाव का स्वामी जो त्रिषडाय भाव में बैठता है वो भी चंद्रमा। चंद्रमा सबसे ज्यादा सौम्य ग्रह होता है कुंडली का, सबसे ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ग्रह होता है चंद्रमा, बहुत ज्यादा सौम्य, बहुत ज्यादा शुभ ग्रह होता है। जब तृक भाव का स्वामी होता है तो नेगेटिव हो रहा है, और इसके बाद जब त्रिषडाय भाव में बैठ रहा है तो और भी नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से पीड़ित हो जाता है, पूरी तरह से नेगेटिव फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है, पहली बात। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि यहाँ से जब यह तृतीय भाव में बैठता है तो तृतीय भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। हालांकि चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता, लेकिन शुक्र चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। तो यहाँ पर चंद्रमा कंफर्ट फील नहीं करेगा अपने शत्रु की राशि में। तीसरी स्थिति क्या हो रही है कि लग्न के सापेक्ष भी देखें, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, जब भी हमें कुंडली देखनी होती है, जब भी हमें किसी भी ग्रह को देखना होता है, तो कोई भी प्रेडिक्शन करना होता है, तो वह हम सर्वप्रथम लग्न के सापेक्ष देखते हैं कि लग्न के सापेक्ष इस ग्रह की स्थिति क्या जा रही है। तो लग्न के सापेक्ष यदि देखें तो यह तृतीय स्थान पर पहुँच रहा है, अगेन त्रिषडाय स्थान में पहुंच रहा है, ये मेहनत के भाव में बैठ रहा है, परिश्रम के भाव में बैठ रहा है, एफर्ट्स के भाव में बैठ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति को संघर्ष प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बना देता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यह बहुत ज्यादा संघर्षमय स्थिति जनरेट हो रही है। एक अन्य स्थिति क्या है कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान पर बैठ रहा है, द्वादश स्थान का मतलब व्यय भाव में बैठ रहा है, तो यह सांसारिक भोगों की उपलब्धता का भी नाश करने वाला होगा। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, अन्य भी बहुत सारे कंटेंट जो हम चतुर्थ भाव के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, उन सभी से संबंधित कंटेंट्स की यह हानि करने वाला होगा, उसको पीड़ित करने वाला होता है। विशेष रूप से चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता, और द्वादश भाव होता है सांसारिक भोग प्राप्ति, उपलब्ध होंगे कि नहीं सांसारिक वस्तुएं, यह चतुर्थ भाव दिखाएगा, और उन सांसारिक वस्तुओं का भोग कर पाएंगे कि नहीं यह 12th हाउस दिखाएगा। तो 12th हाउस का कारक भी पीड़ित हो रहा है और 4th हाउस का कारक भी पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पे यह पूर्ण रूप से संघर्ष कराने वाला बन जाता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। भाग्य स्थान का मतलब यह हो गया है कि यहाँ पर भाग्य का मतलब सहज उपलब्ध जो कंटेंट्स होते हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं। कोई चीज़ सहज उपलब्ध होती है, जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसके लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, जो कम प्रयास में अधिक प्राप्ति होती है, उसको भाग्य से देखा जाता है। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से नेगेटिव होकर 9th हाउस पर दृष्टि डालता है तो ये 9th हाउस को भी पीड़ित कर देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर 9th हाउस को भी नष्ट करेगा चंद्रमा। तो ओवरऑल अगर देखें तो चंद्रमा की इस कुंडली में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है। 24 साल की अवस्था तक विशेष रूप से व्यक्ति को पूर्ण रूप से संघर्ष वाला जीवन प्रदान कर देता है। उसके बाद भी स्थितियाँ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पूरी कुंडली पर कंट्रोल किए हुए है। एक नेगेटिव जो स्थितियाँ हैं, नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, वो व्यक्ति को जीवन भर परेशान करते रहेंगे, कम अथवा अधिक। 24 वर्ष की अवस्था तक विशेष रूप से बहुत कम, और उसके बाद 24 वर्ष की अवस्था तक बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसकी पावर जो होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी चंद्रमा नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा विशेष रूप से व्यक्ति के लिए मारक का कार्य करेगी। मारक का क्यों कार्य करेगी? क्योंकि हमने बताया था, जब हमने लघु पारेषरी का अध्ययन किया था, कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम
इट मीन्स कि तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस का स्वामी, व्यय भाव का स्वामी जब मृत्यु स्थान पर बैठता है तो व्यक्ति को पूरी तरह से संघर्ष प्रदान करने वाला यह बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इसके विशेष रूप से उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसका एक बहुत पावरफुल उपाय तो यही है कि इसको तुरंत आपको 11th हाउस में मूव करा देना चाहिए। 11th हाउस में कैसे मूव होगा? महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें, 50 ग्राम से ऊपर का करें, सोमवार के दिन धारण करें। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि बिना जोड़ वाला कड़ा होना चाहिए, खुला हुआ कड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यह चंद्रमा 11th हाउस में मूव कर जाएगा और 3rd हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। हमने एक सिद्धांत की बात करी थी कि जब भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह 11th हाउस में स्थित होते हैं तो वह नेगेटिव फल प्रदान नहीं करते। इवन कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि जब क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह 11th हाउस में स्थित हो जाते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से पापी हो चुका है, पूर्ण रूप से क्रूर ग्रह बन चुका है। तो ऐसे में इसको जब हम 11th हाउस में मूव करा देंगे तो सैद्धांतिक रूप से यह नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा और कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह पॉजिटिव फल भी प्रदान करने लग जाएगा। समय समय पर किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराते रहें। चंद्रमा से संबंधित कोई भी कार्य आपको स्वयं नहीं करना है, कोई भी उपाय आपको स्वयं नहीं करना है, क्योंकि यदि आप करते हैं तो आपकी स्थिति परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती चली जाती हैं। तो आप किसी ब्राह्मण से कराएँ जिससे कि उस चंद्रमा का इफेक्ट आपको कम से कम प्राप्त हो। ठीक है, तो आज हमने बात करी सिंगलन के तृतीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंगलन के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।